Good morning, students. Today I teach you grammar, standard 4th. Today's work जो है वो revision चल रहा है, so revised work है ये. Chapter number 9 है, article a and the. हम लोग article के बारे में पढ़ा था, इनके uses के बारे में पढ़ा था और बोला था कि next class में exercise करवाएं. So today's homework के लिए आपके exercise, वैसे आप एक बार ये कर चुके हैं, तो आप मैं एक बार बता रही हूँ और आपको करना. Jack and Jill went. आपको यहाँ पर आपको जो ये आर्टिकल है ए एंड द, इन्हीं में से थ्री आर्टिकल्स में से कोई भी एक आर्टिकल फिल करना है. तो यहाँ पे द फिल होगा एंड फेस टू, यहाँ भी द होगा, फेल ऑफ वाटर एंड यहाँ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एंड इट इज एन ऑनेस्ट मैन. ए द बर्ड पर्स्ड ऑन द विंडो एंड यहाँ ए बर्ड कर लेना. ओके, ए बर्ड रूम एंड आई लुक्ड, यहाँ द बर्ड हो जाएगा क्योंकि ए बर्ड एक बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पे द बर्ड होगा. आगे यहाँ द आईज ऑफ कैट, ऑफ द कैट ग्रोज, सॉरी ग्लो इन द डार्क एंड सिक्स में है द फ्रेंच टूरिस्ट हो जाएगा यहाँ पे द. ओके, हैज ए ग्रेट टाइम इन इंडिया. तो यहाँ पर और भी है. आगे नेक्स्ट यहाँ पे अलका शिमी एंड करण वेंट फॉर द टूर एंड माई सिस्टर रीड्स द हिंदू न्यूज पेपर. तो यहाँ न्यूज पेपर आया है, सो हिंदू, तो यहाँ पे दा, मैंने कल दा का यूज बताया था कि हिंदू किसी भी न्यूज पेपर के पहले आप दा का यूज करेंगे. ओके, सो ये तो रही आपकी एक्सरसाइज एंड यहाँ पर ये एक्सेप्शंस हैं कुछ ए और एन के लिए. द आर्टिकल तो डेफिनेट है और मतलब उसका तो डेफिनेट है और ए और जो एन इनडेफिनिट आर्टिकल है उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. कुछ वर्ड जो हैं जिनमें ए नहीं यूज होता है, आपको लगेगा वहाँ ए यूज होगा रूल के अकॉर्डिंग, बट वहाँ एन यूज होगा. और अगर आपको लगता है कि एन यूज होगा तो वहाँ ए यूज होता है रूल के अकॉर्डिंग. सो ये रूल के कुछ हैं अपोजिट. सो वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विद ए वोवेल साउंड्स. आप जो एन का यूज करते हैं, एन का यूज आपने रूल में पढ़ा है कि वो एन का यूज करेंगे कि कोई भी नाउन शुरू है उससे उसका जो फर्स्ट लेटर है, नहीं सॉरी, उसका जो साउंड है वो वोवेल साउंड हो रहा हो. ओके, वोवेल साउंड के साथ में आप एन का यूज करेंगे. पर यहाँ पर जैसे कि आई एम ऑनेस्ट मैन. ओके, एन ऑनेस्ट मैन, आप सोच रहे हो यहाँ एच बनना है तो ऑनेस्ट पढ़ के और एन, तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा. बट जब हम इसको ऑनेस्ट जो है स्टार्ट विद द वोवेल साउंड्स ओ. ओके, ओ एच जो है ऑनेस्ट वर्ड जो है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऑनेस्ट, ओ एन ई एस टी, कहाँ से, ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट से शुरू होता है. ओके, इसमें जो एच होता है ये आपका कैसा है, साइलेंट है. ओके, एच साइलेंट है इसलिए यहाँ से पढ़ेंगे तो उसको हम कैसा इसका प्रोनाउंस करेंगे, ऑनेस्ट. तो इसलिए यहाँ से जब वोवेल इसका शुरुआत हो रही है वोवेल से, इसलिए हम इसके साथ में एन का यूज करेंगे. ओके, ऐसे एक वर्ड और है ऑनर, सॉरी सॉरी आवर, एच ओ यू आर, इसका भी एच साइलेंट है और इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं आवर, तो इसलिए इसके इसके पहले भी हम एन का यूज करते हैं. ओके, तो ये तो था एन का यूज. और भी वर्ड है जिसमें एच साइलेंट हो या और जो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका साइलेंट हो जाए और आगे वोवेल से फिर उसका साउंड निकले, तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट यहाँ पे बी यूज ए, ए का यूज हो रहा है. ए का यूज कहाँ पे, बिफोर द वर्ड्स विच बिगिन विथ ए कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट साउंड. हम ए का यूज वहां करते हैं जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा हो, जिस वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल में ये यूटेंसिल है, आप ये आप सोच रहे हो यहाँ यू बना है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एन का यूज होना चाहिए, पर जो ये जो यू है इसका जो साउंड निकलता है इसको हम पढ़ते हैं यूटेंसिल. इसका जो यू यू जो है इसको हम यू पढ़ते हैं यू. ओके, वाई ओ डबल यू, तो ये किसमें रहता है, यू यूटेंसिल, इसलिए हम एक यूटेंसिल या यू के पहले यूटेंसिल हुआ यूनिफॉर्म हुआ यूनिवर्सिटी हुआ और भी वर्ड हैं इनके पहले हम यू से ए का यूज करते हैं. ओके, तो ये दो आपके एक्सेप्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ये जो आर्टिकल वाला चैप्टर है वो फिनिश हो गया एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. सो दिस वर्क इज कम्प्लीट एंड होमवर्क में भी एक्सरसाइज वो आप कर लेंगे. ओके, सो थैंक यू.